hope you must be fine and doing your homework very nicely. Now we'll start lesson number 4 in science, and that is about heat. Now first we'll learn what is temperature. Temperature kya hota hai? The degree of hotness or coldness of any object is called temperature. इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ गर्म, उसके बारे में जानने की कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उससे हमको उसका टेम्परेचर पता चलेगा. ऑब्जेक्ट इज हॉट या कोल्ड, कोई चीज़ गर्म या ठंडी हो. अभी टेम्परेचर बढ़ता कब है? जब हम उनको हीट देते हैं. टेम्परेचर इंक्रीज ऑन गिविंग हीट. जब हम हीट देंगे तब टेम्परेचर बढ़ेगा. टेम्परेचर डिक्रीजेस ऑन ऑब्जर्विंग हीट फ्रॉम इट. अभी कोई ऑब्जेक्ट में हीट होगा, उसमें से वो हीट ले लेगा तो वो चीज़ ठंडी हो जाएगी, यानी उस चीज़ में से वो टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा. नाउ व्हाट इज द थर्मोमीटर? थर्मोमीटर क्या होता है? द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कोई भी चीज़ का अगर हमको टेम्परेचर मेजर करना है तो हम थर्मोमीटर का यूज़ करेंगे. जैसे घर में हम बीमार हो जाते हैं या हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे मुंह में वो थर्मोमीटर रखते हैं, या हमारे अंडर आर्म्स में थर्मोमीटर का बल्ब रखते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि हमारी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर में है या हमको फीवर आया है. जब हमारे बॉडी में भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्म हो जाती है हमारी बॉडी, तब हमको फीवर आता है. वैसे डॉक्टर्स थर्मोमीटर को क्लिनिकल थर्मोमीटर भी बोला जाता है, और दूसरा जो लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है उसको लेबोरेटरी थर्मोमीटर बोला जाता है. अभी डॉक्टर का थर्मोमीटर से क्या पता चलता है? हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर होता है कि हमको बुखार है कि बुखार नहीं है. अभी नॉर्मल अपना बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, जिसमें हम लोग बीमार नहीं होते, जिसमें हमको बुखार नहीं होता है? नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर के पास जाएंगे, इसका काम क्या है? लेबोरेटरी में जो भी सामान होता है दैट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द लेबोरेटरी, परफेक्ट हमको जानना है कि इस ऑब्जेक्ट का कितना टेम्परेचर है, तो हमको लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज किया जाता है. लेकिन इसका रेंज क्या है? कौन से रेंज तक का है ये थर्मोमीटर? रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर इज यूजली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस माइनस 210 डिग्री सेल्सियस. अबाउट टू टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, देयर कंस्ट्रक्शन एंड देयर मेथड ऑफ यूजिंग. अभी सबसे पहले हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में जानते हैं. जब हमें बुखार होता है तब मम्मी घर पे भी हमारा टेम्परेचर मेजर करती है, वही वाला है ये क्लिनिकल थर्मोमीटर या तो डॉक्टर का थर्मोमीटर. वो डॉक्टर जब हम बीमार होते हैं और हमारा टेम्परेचर मेजर करती है, वो वाला थर्मोमीटर. ये होता कैसे और किसके बारे में जाने? इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. ये कांच से बनाया हुआ, तो एकदम शरीर का यूनिफॉर्म ट्यूब विच हैज कैपिलरी ट्यूब. अभी इसके सेंटर में बीच में एक कैपिलरी ट्यूब है इन विच मर्क्यूरी एक लिक्विड मेटल है, सिल्वर कलर का होता है, वो इसके बीच में आता है. अ बल्ब इज अटैच टू वन एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब. अब ये कैपिलरी ट्यूब के एक एंड में आपको दिखाई देगा ये बल्ब. अभी ये बल्ब के अंदर जो मर्क्यूरी होता है वो एक्सपैंड होगा और ऐसे दौड़ेगा, इस तरफ आएगा. इट विल एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट, वापस नॉर्मल हो जाएगा. अगर हीट से हटा दिया जाएगा वापस नॉर्मल हो जाएगा. तो वाइदर इट विल एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट व्हेन टेम्परेचर अराउंडिंग चेंज. जब टेम्परेचर चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली अगर हीट है तो एक्सपैंड होगा, कूल है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा. द रेंज ऑफ द टेम्परेचर इज फ्रॉम, अभी रेंज देखो, अगर सेल्सियस में हम मेजर करते हैं तो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में लेंगे तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 120 डिग्री फ़ारेनहाइट. अभी इसके अंदर एक किंक होता है. There is a kink at the bottom of the capillary tube near the bulb. बल्ब के पास में एक kink. अब सबसे पहले हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे? इसको पहले एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डुबाएंगे, उसको फ्री कर देंगे कोई भी जर्म से, फिर हम लोग टंग के नीचे उसको फिर 1 मिनट के लिए रखेंगे. फिर उसको निकालने के बाद हम लोग ब्लीडिंग मेजर करेंगे.
रीडिंग में देखेंगे कि हमको बुखार है या हमको नहीं है, फिर वापस उसको किंग के धारा ऐसे ऐसे करके नॉर्मल किया जाएगा। नाउ विल बी लर्निंग अबाउट लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में हम लोग सब्सटेंसेस के टेम्परेचर को मेजर, प्रॉपर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले इट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब व्हिच हैज कैपिलरी ट्यूब। अब ये लॉन्ग नैरो ट्यूब है, इसके बीच में एक कैपिलरी ट्यूब है। अभी इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी होता है। At one end of the tube, there is a cylindrical type arrangement like a bulb bulging out. ये cylindrical bulb है, ये बाहर की तरफ निकल रहा है, इसको bulging out बोला जाता है। अब इस bulb के अंदर क्या होता है? Mercury. And similarly, ये expand होगा on जब heat से contact में आएगा और contract होगा, जब वो cold के साथ में contract होगा। इसका range is from -10 degrees to 110 degrees Celsius. कैसे यूज किया जाता है? सबसे पहले हम लोग का ये जो बल्ब होता है वो कोई भी सब्सटेंस के अंदर, जो सब्सटेंस हमने ग्लास बीकर में लिया है उसके अंदर हमको ऐसे वर्टिकली उसको डुबाना है। अभी वर्टिकली डुबाने के बाद देखना है कि साइड में से वो कंटेनर को टच नहीं हो रहा है, बिल्कुल सारे ये बल्ब के आस पास सब वो सब्सटेंस कवर होना चाहिए। उसका रीडिंग हमको आई टू आई बराबर नॉर्मल लेवल में लेना है, वरना अगर हम लोग उसको टेढ़ा देखेंगे तो रीडिंग प्रॉपर नहीं आएगा। कंडक्शन, नाउ लेट्स लर्न अबाउट कंडक्शन। कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट एंड ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स कोल्ड एंड। जैसे सपोज हम लोग ने यहाँ पे कैंडल रखा है और एक एल्यूमिनियम रॉड है। अब एल्यूमिनियम रॉड जो है वो कैंडल के ऊपर रखा हुआ है, तो हम लोग दूसरे हैंड से उसको पकड़ते हैं, तो यहाँ से हीट होते होते वो कैंडल लाइट से गर्म होते होते वो हीट ट्रांसफर हो जाएगा और हमारे इस हैंड में हमको उसका हीट फील होगा। सेम एग्जांपल इज गिवन हियर। अब हीटिंग वन एंड ऑफ द एल्यूमिनियम रॉड विद द फ्लेम ऑफ द कैंडल। जब हम कैंडल के फ्लेम से उसको हीट करेंगे, हीट फ्लोस फ्रॉम इट्स नियर एंड टू द फायर। पास में जो एंड होगा उससे रिलेटेड एकदम दूर तक वो पहुंच जाएगा। जैसे हम लोग कभी कभी कोई हैंडल पकड़ते हैं और हम लोग वो चम्मच हिलाते हैं, गरम मम्मी खाना बनाती है, दाल वगैरह बनाती है, वो चम्मच रह जाती है उसके अंदर, फिर हम लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे हाथ जल जाते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे जो हीट में हम लोगों ने जो वेसल में रखा हुआ था दाल हो सब्जी हो, वो हीट होने के बाद धीरे धीरे उसका हीट वो चम्मच के एंड तक, ऊपर के फार ऑफ एंड तक पहुँच जाता है, और जब उनको हम लोग उसको टच करते हैं तो बहुत ही हॉट फील होता है। अभी गुड कंडक्टर्स, ऐसे कौन से कंडक्टर्स हैं जिसमें से इजीली फ्लो होता है दूसरे एंड तक वो हीट आती है? जैसे कंडक्शन टेक्स प्लेस इजीली मेटल्स जैसे कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, गोल्ड है, सिल्वर है, सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, ये सब चीज़ों में तुरंत ही हम लोग देखेंगे हीट। अगर हम लोग एक एंड पे गर्म कर रहे हैं तो उसके दूसरे एंड की तरफ भी तुरंत गर्म हो जाएगा। अभी पुअर कंडक्टर यानी इंसुलेटर यानी क्या? ये अलाउ नहीं करता हीट को आगे तक ट्रांसफर करने का, अलाउ नहीं करता। इसके लिए कुकर वगैरह के हैंडल जो होते हैं उसको कुकर, जब पूरा कुकर गर्म हो जाता है वो हैंडल पकड़ने लायक होता है ताकि हम जल ना जाए, तो वो पुअर कंडक्टर या तो इंसुलेटर होते हैं। पास एग्जाम्पल वुड है, लकड़ा है, प्लास्टिक है, वुल है, ये सारी चीज़ें पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर होते हैं। अभी एक बर्तन और उस बर्तन में हमने पानी उबाले रख दिया, वाटर गेट्स हीटेड इन द वेसल। अब थोड़ी देर के बाद हम लोग देखेंगे कि पानी अच्छे से उबल रहा है, धीरे 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 उसमें बबल्स आना शुरू हो गए। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन वाटर इज नोन एज कन्वेक्शन। अभी हीट कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है? वो गैस में से, वो गर्म होने के बाद वो पानी में अंदर जाएगा। सबसे पहले नीचे वाला पानी गर्म होगा, नीचे वाले पानी के जो पार्टिकल्स होंगे वो एक्सपैंड हो जाएंगे हीट होने पर, और जब गर्म होंगे वो एक्सपैंड होगा, वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे, और जो ऊपर ठंडा पानी है वो नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से पूरा पानी गर्म हो जाएगा। लिक्विड एंड द गैसियस सब्सटेंस गेट हीटेड बाय मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। इस ट्रांसफर ऑफ हीट के वजह से, ये कन्वेक्शन मोड के वजह से, ये पानी और गैस हीट हो जाते हैं।
अब रेडिएशन कौन सा होता है? सन से जो हमको लाइट मिलती है वो रेडिएशन से वाया होती है। वो कैसे? हीट कम्स टू अस फ्रॉम द सन बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन वेदर मीडियम इज प्रेजेंट और ना। अभी मीडियम हो या ना हो, सन का रेडिएशन हमको बहुत फार से डायरेक्ट हमको अर्थ के पास मिलता है। हीट फ्रॉम द सन कैन बी जस्ट थ्रू रेडिएशन ओनली बिकॉज रेडिएशन से क्यों पहुंच सकता है? देयर इज नो मटीरियल मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस। अभी स्पेस में, अभी अर्थ के अंदर है तो एयर पॉसिबल है, लेकिन जब स्पेस में जाते हैं वो सनलाइट तो डायरेक्ट स्पेस में से आती है, तो तब वो मीडियम एयर प्रेजेंट नहीं होती है। इसके लिए थ्रू रेडिएशन ओनली वी कैन गेट हीट एंड लाइट टू द सन स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। आई रिपीट अगेन, नाउ आई रिपीट अगेन, रेडिएशन हीट कम्स टू अस फ्रॉम द सन बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन वेदर मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। हीट फ्रॉम द सन कैन बी जस्ट थ्रू रेडिएशन ओनली बिकॉज देयर इज नो मटीरियल मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द स्पेस between the earth and the sun. Now let's talk about land breeze. The breeze generally flows from sea towards the land. यानी समंदर किनारे से जमीन से बहने वाली जो हवा होती है उसे land breeze बोला जाता है और ये दिन को होता है। आपको पता होगा कि पानी होता है उसको गर्म होने में भी ज़्यादा वक्त लगता है और ठंडा होने में भी ज़्यादा वक्त लगता है। तो पूरी रात जब हवा ठंडी हो जाती है, गर्म पानी ठंडा हो जाता है, तो सी का जो ठंडा पानी है वहाँ से ठंडी ठंडी हवा की लहरें हमको दिन में आती है ज़मीन की तरफ, दैट इज लैंड की तरफ हमको समंदर से हवा आती है। दूसरी, सी ब्रीज का मतलब क्या है? ब्रीज जनरली फ्लोज फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी। अब हमको ये पता है कि ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है और जल्दी गर्म भी हो जाती है, यानी जो ज़मीन से बहती हुई जो